क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? बुक छुपाया जा रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है, तो मैं इस वजह से ना ब्लॉग बना नहीं पा रहा था। तो आज लास्ट एग्जाम है, तो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाए। 7:14 भी हो गया है, घर से 7:30 बजे निकलना होता है, 9:30 से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। बस पहुंच तो पहले जाता हूँ, 9 बजे पहुंच जाता हूँ। तो अभी मैं तैयार वर हो जाता हूँ, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार, शर्ट और जीन्स डाल लिया, तो अभी निकलते हैं। फिर चलते हैं। तो फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ ऑटो के लिए। तो गाइज मुझे ऑटो मिल गया, और आज बहुत ठंड लग रही है यार काफी, इसलिए आज मुफलर लेके जा रहा हूँ। सो मैं हमदर्द पहुंच गया। सो मुझे हमदर्द से अब साकेत मेट्रो निकलना होगा, क्योंकि साकेत मेट्रो से ही जा पाऊंगा मुनिरका मेट्रो स्टेशन। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने दोस्त का भी वेट कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं हमदर्द में मिलूंगा, बट वो आया नहीं, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो गाइस मैं साकेत मेट्रो पहुंचने वाला हूं, बस थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। और हाँ, हमदर्द से साकेत मेट्रो जाने के लिए बस सबसे बेस्ट, क्योंकि थ्री व्हीलर या छोटा हाथी जो भी गाड़ी होती है उस पर अगर बैठ जाओगे तो जब तक वो सवारी को फुल नहीं करेगा, जब तक नहीं जाएगा, और एक एक सवारी को टाइम टाइम से उतारेगा, लेट कर देगा, बस तुरंत उतारती है, तुरंत चलने लग जाती है। सो मैं साकेत मेट्रो पहुंच चुका, ले फुल हो गया। फिलहाल अभी बाहर ही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि लिफ्ट में तो पहले घुस चुके। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ साकेत मेट्रो स्टेशन में, वेट कर रहा हूँ मेट्रो का। मेट्रो भी आ चुकी। क्या बात है, आज तो पूरा मेट्रो खाली है। मैं पहले यहाँ से जाऊँगा हौस खास से मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मेरा कॉलेज है साउथ कैंपस में, वहाँ पे जाने के लिए मुझे इंटरचेंज करना पड़ता है, एक और मेट्रो लेना पड़ता है मुनिरका के लिए। मुनिरका से फिर 2-5 मिनट के रास्ता पे, मतलब 5 मिनट की दूरी पे फिर वो है अपना कॉलेज, तो वहाँ से बस लेते या ऑटो लेते हैं, तुरंत पहुँचा देती है। सो मैं हौस खास पहुँच गया। सो मुझे हौस खास से मुनिरका जाने के लिए मैजेंटा लाइन लेनी पड़ती है, क्योंकि मैजेंटा लाइन पे ही मुनिरका का रूट है। मैजेंटा लाइन के लिए जब भी गया हूँ यहाँ से काफ़ी भीड़ निकलती है हमेशा। मैजेंटा लाइन के जाने की तरफ के जो अंडरग्राउंड है, काफ़ी बड़ी अंडरग्राउंड, तो मैंने तो अभी तक इससे बड़ी नहीं देखी जब भी गया मेट्रो पे, होती होगी इससे ही बड़ी अंडरग्राउंड। सो मैं मैजेंटा लाइन की तरफ पहुंच गया, बस लिफ्ट से नीचे उतरना है, एलिवेटर से नीचे उतरना है। यहाँ पे एलिवेटर देखो कितना इंटरचेंज हो रखा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई उधर ऊपर जा रहा है, एलिवेटर इंटरचेंज हो रखा है आपस में ही, इधर वहाँ यहाँ वहाँ जाने के लिए। सो एक और एलिवेटर का यूज, जैसे ही नीचे उतरा एलिवेटर से, वैसे एक मैजेंटा लाइन वाली मेट्रो चली गई, दूसरी भी आ गई। सो गाइज अब मैं जा रहा हूँ मुनिरका, मुनिरका से वहाँ से तुरंत 10 मिनट में मुझे कॉलेज पहुँचना होगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में बस स्टैंड है, वहीं से ऑटो या बस जो भी मिलेगा तुरंत उसी में निकल जाएंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं उतरते टाइम जान के अपने पैर पटकूंगा ताकि इनकी नींद खुल जाए। थोड़ी सी नींद खुल गई। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मुनिरका, अब मुनिरका से जा रहा हूं बस स्टैंड की ओर। अब मैं जा रहा हूं बस स्टैंड की तरफ। सो गाइस मैं बस में बैठ चुका, फ्रंट का व्यू कितना मस्त लग रहा है, साइड साइड में ग्रीनरी है, ऊपर मेट्रो का रूट गया हुआ है, अब सामने इतना मस्त दिख रहा है, देखने में कितना मस्त लग रहा है ये रोड। सो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं शनि मंदिर, यहां पे मंदिर है जहां पे हमारा कॉलेज है, तो इस लोकेशन को शनि मंदिर के नाम से जानते हैं। सामने ही कॉलेज है। लास्ट एग्जाम है, घर पे नहीं पढ़े, यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब घर पे टाइम नहीं मिलता है, नहीं यहां बैठ के पढ़ रहे हैं सब। ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, इसके जस्ट आगे वाला मेरा कॉलेज है रामलाल आनंद कॉलेज। सो ये है रामलाल आनंद कॉलेज।
सो गाइस फाइनली मैं कॉलेज के अंदर एंट्री ले चुका हूँ। तो मुझे वहाँ ऊपर टॉप फ्लोर पे जाना है, PC5 टॉप फ्लोर पे जाना है मुझे। सारे सेम है, वही क्लास है, टॉप फ्लोर। देखा नहीं क्या तुमने? क्या कर रहा है? वीडियो वायरल बना रहेगा, वायरल करेगा तुम्हें। हाँ भाई तेरे भरोसे। वो तीनों जिन में बैठ के मजे ले रहे हैं एक दूसरे से, जो भी स्टूडेंट आ रहा है उनसे मजे ले रहा है, पढ़ के आया आपस में लगे हुए हैं। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने क्लास, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। वो सामने जो फ्लोर दिख रहा है सामने, उस साइड पे जाना, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे जाना है मुझे। तो इस साइड में राइट में घूम के वहां पहुंचना है मुझे, यहाँ से मुझे निकलना है उस साइड। काफी बड़ा कॉलेज है, सो अभी टीचर आया नहीं तो सब क्लास के बाहर ऐसे घूम रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने क्लास में। क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे, बुक छुपाया जा रहा है? क्या हुआ था क्लास में? मैं आप पहुंचा ना। तो अब मैं जा रहा हूँ क्लास के अंदर। सो मैं क्लास के अंदर आ गया। 8486 चलो टीचर भी आ गए। सर वीडियो बन रही है? मेरी वीडियो बन रही है। चलो बैग बाहर रख देते हैं, अब मोबाइल भी रखना पड़ेगा। कौन से मिला यार, मोबाइल तो रखना पड़ेगा। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे 3 घंटे बाद, एग्जाम के बाद। सो गाइस एग्जाम तो हो गया कंप्लीट। अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे जंग का मैदान चल रहा हो, सब लगे हुए अपने में, सब लगे हुए हैं, ये वो फलान ठिकाना सब लगे हुए, लिखे जा रहे बस। तो फिलहाल एग्जाम, लास्ट एग्जाम तो हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं। पूरी क्लास भरी हुई थी, अब आधी क्लास हो गई, कुछ बच्चे भी कर ही रहे एग्जाम। पापा की परियों का भी एग्जाम हो गया, यहाँ देखो धूप सेक रहे हैं सब। आज बियर पीनी पड़ रही। अरे ये क्या हुआ, जब मैं आया था जीने के पास एक भी गमला नहीं था, ये देखो गमले लगे हुए काफी सारे। तो फिलहाल अभी मैं कॉलेज के सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ, तो लिफ्ट ऊपर आने का वेट कर रहा हूँ, लिफ्ट से चलते हैं। आज लास्ट एग्जाम था, मजा आया। ये प्रोफेसर हैं, यहाँ पे धूप बड़ी तगड़ी लग रही है, सही लग रही है धूप। पीछे सारे लड़के लिफ्ट के लिए खड़े हैं, लिफ्ट आके चली गई। मैं वीडियो बनाने, तो यार मैं भी चलता हूँ नीचे ही। सुन जो सुबह तो वीडियो बनाता, हाँ। वो इसी में सेव कर रखी है या क्लिप में ही है? इस क्लिप में, इसी वाली में ही है, मतलब एक ही बार में बनाता सारा। अब वो बाद में एडिट कर देता हूँ, सब मर्ज कर देता हूँ एक साथ। तो फिलहाल अभी तो हूँ गार्डन में, यार कोई दोस्त वोस्त भी नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, जितने भी थे क्लास के लड़के सब चले गए। सो फिलहाल अब जा रहे हैं हम घर। पहले फटाफट कहीं चलते हैं, बहुत देर से भूख लगी यार। तो अभी कुछ खा ले जाए, काफी देर से भूख लगी यार, सुबह खाली पेट आया था और कॉलेज का कैंटीन भी बंद, तो यहीं से कुछ ले लिया जाए, यहाँ भी अच्छा अच्छा चीज मिलता है। पराठा रोल देना भाई, इधर भी देख लो, दो पराठा रोल भाई, दो रोल है ना, दो रोल मांगे थे। तो मस्त खाना पीना हो गया, सामने ऑटो खड़ी है, वहीं जा रहा हूँ अब। मुनिरका ले जाएंगे ना? मुनिरका, मुझे लगा कि मुनिरका मेट्रो स्टेशन लेके जाएंगे, वहाँ से मैं हौस खास से चेंज कर लूँगा, बट ये ले जा रहे हैं दुर्गा भाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, वहाँ से भी चला जाऊँगा, पर वहाँ से थोड़ा लंबा रूट पड़ता है और मैं बीच में फंस गया हूँ, मतलब दबा हुआ हूँ इन दोनों के बीच में। दुर्गा भाई मेट्रो स्टेशन के पास आया हूँ, मुनिरका से नहीं जाऊँगा, मुनिरका से थोड़ा बस से जाना पड़ जाता है, तो दूर पड़ता है, उधर बस जाती है ऑटो जल्दी जाती नहीं है, मिलती नहीं है। दुर्गा भाई स्टेडियम के पास ऑटो ही आती, बस नहीं आती, तो ऑटो से यहाँ आ गया मेट्रो स्टेशन। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा दिल्ली हाट से फिर चेंज करूँगा। मैं यहाँ हूँ, यहाँ से येलो लाइन के लिए डायरेक्ट साकेत, दुर्गा भाई देशमुख से येलो लाइन लेने को डायरेक्ट साकेत। अबे यार जीना है। मुझे दिल्ली हाट से इंटरचेंज करना है, सो मैं दुर्गा भाई मेट्रो स्टेशन से जा रहा हूँ, तो मुझे दिल्ली हाट से इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर मैं मुनिरका से जाता तो हौस खास से चेंज करना पड़ता। अभी मैं दिल्ली हाट में हूँ, अब जाऊँगा साकेत। सो अब मैं जा रहा हूँ येलो लाइन की तरफ, येलो लाइन साकेत रूट की तरफ जाता है। सो गाइस अब मैं कर रहा हूँ मेट्रो का वेट, मेट्रो आने वाला है थोड़ी देर में।
सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं साकेत मेट्रो स्टेशन। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूं लिफ्ट नीचे आने का, क्योंकि जब भी मैं आता हूं लिफ्ट के पास पहली लिफ्ट फुल हो जाती है। तो मैं साकेत पहुंच चुका हूं, अभी मैं पुल के पास हूं। कोई नहीं, अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना यार, बहुत थकावट हो रही है। सो गाइस मैं संगम बिहार पहुंच चुका, अब मैं जा रहा हूं घर। सो गाइस मैं घर पहुंच गया। आज के ब्लॉग में काफी मजे किए हमने क्लास में, वैसे तो सारे बच्चे चले गए थे, कोई कोई तो पूरा कर भी नहीं रहता, आ ही नहीं रहा, बंदा उठ के चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे घर। मेरा फोन तो सर जी ने रखवा लिया, सबका फोन रखवा देते हैं, सिर्फ पेपर में फोन लेके नहीं बैठ सकता ना, वरना गूगल बाबा जिंदाबाद। क्लास में ज्यादातर बच्चे शैतानी कर रहे थे, पॉलिटिकल क्लास में बायो का सब्जेक्ट चला रखे थे। लड़के को बुलाए, मतलब जो चाय वाली बांटता है स्टाफ में से, तो उनको बुलाया, तो उन्होंने वो कर दिया, इरेज कर दिया। वैसे सिक्स सेमेस्टर भी होगा, तो हम फिफ्थ सेमेस्टर था, ये फाइनल ईयर था। ऑनर वालों का दो सेमेस्टर चलते हैं हर साल। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा सी यू। घुंघरालू बाल है, हेयर स्टाइल बोलता है उसको। अबे नहा के तू नहीं आया, बाल मेरे गीले तेरे नहीं। I don't wanna fall in love.